की बात सुनकर अहाना को कल की रात याद आ गई। फ्लैशबैक, पार्टी करने के चक्कर में उसने काफी शराब पी ली थी और वो सिद्धार्थ को सेड्यूस करने लगी थी। उसने लगभग सबके सामने उसे किस भी कर लिया था और कमरे में पहुंचकर उसे लगातार किस करने लगी थी। सिद्धार्थ जो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, उसका ऐसा बिहेवियर ज्यादा देर सहन नहीं कर पाया था और उसे बेड पर लिटाकर उसे किस करने लगा। अहाना भी उसका पूरा साथ दे रही थी और उसे इस तरह आगे से पहल करता देख सिद्धार्थ खुश हो गया था और दोनों पूरी तरह एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। फ्लैशबैक ओवर। अपनी कल की हरकतों को याद करते हुए अहाना के गाल लाल हो गए। ये याद करते ही कि कल रात को कितनी वाइल्ड थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सिद्धार्थ को अपनी नजरें उठाकर देख सके। सिद्धार्थ को अहाना को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था। रिद्धिमा जी ने उसका कान खींचते हुए कहा, क्या कह रहा है तू हमारी बच्ची से जो वो चुप हो गई? अहाना जो वहां मौजूद सभी लोगों को हंसा रही थी, सिद्धार्थ के कुछ शब्दों से चुप हो गई थी और सभी यही सोचकर कंफ्यूज थे और उसी की तरफ देख रहे थे। सिद्धार्थ ने अपना कान छुड़ाते हुए कहा, दादी क्या कह रही हो? मैंने उसे कुछ नहीं कहा, आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेती कि वो चुप क्यों हो गई? कृपा जी ने अहाना के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बताओ बेटा, अगर इसने तुम्हें परेशान किया होगा तो इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। अहाना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो चुपचाप अपना सिर झुकाकर खड़ी थी। वो कुछ कहती इससे पहले ही एक नरम और कोमल आवाज आई, उस नालायक से पूछो हमारी बेटी जवाब क्यों देगी, जवाब तो वो देगा जो उसे परेशान कर रहा था। सबने जिस तरफ से आवाज आई उस तरफ देखा। एक औरत जिसने ब्लू कलर की जीन्स के साथ व्हाइट कुर्ता पहना था, उसके साथ खड़ा आदमी जिसने 3-पीस नेवी कलर का ब्लू सूट पहना था और वो वहां चल कर आ रहे थे। सिद्धार्थ उन्हें देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देख रहा था। उसने खुद से कहा, ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं? औरत ने अहाना का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा, बता क्यों परेशान कर रहा था हमारी बेटी को? बचपन की पिटाई कम पड़ गई है ना कि तुझे फिर से पिटाई खानी है? नहीं, तू तो बंदर है, तुझे तो ऐसी जगह मारूंगी कि पूरा लाल हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर सब जोर जोर से हंस रहे थे और सिद्धार्थ मुंह बनाकर उन्हें देख रहा था। उसने कहा, मॉम क्या आपको नहीं लगता आपको अपने बेटे की साइड होना चाहिए, ना कि किसी आउटसाइडर के? लक्ष्मी जी इस बात को सुनकर सिद्धार्थ को घूरने लगी। अनुराग जी ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ के किया करो, सामने जो खड़ी है वो तुम्हारी माँ है जिससे मैं अभी भी डरता हूँ। सिद्धार्थ ने आह भरी और कहा, लेकिन आप दोनों यहाँ कर क्या रहे हैं? ये सुनकर लक्ष्मी और अनुराग जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और फिर वो दोनों अहाना के पास जाकर खड़े हो गए। सभी लोग अनुराग जी और लक्ष्मी जी की तरफ देख रहे थे कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। अनुराग जी ने अहाना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम यहाँ हमारी बेटी से मिलने आए हैं, इस नालायक से नहीं। यह सुनकर सिद्धार्थ ने मुंह बनाया। अहाना हैरान होकर अनुराग जी और लक्ष्मी जी की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा था। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, मैं आप लोगों को नहीं जानती। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और उन्होंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, लेकिन हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं, तुम अहाना हो ना? अहाना ने हाँ में सिर हिलाया। लक्ष्मी जी सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। सिद्धार्थ उनके करीब आया। उन्होंने सिद्धार्थ को अहाना का हाथ पकड़ते हुए कहा, तूने मेरे लिए बहुत अच्छी बहू ढूंढी है, पर हमें इससे मिलाया नहीं तूने? ये सुनकर अहाना और सिद्धार्थ दोनों हैरान हो गए और वो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहां मौजूद बाकी लोग भी उतने ही हैरान थे सिवाय धैर्या और वायु को छोड़कर। सिद्धार्थ ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मी जी ने उसका कान खींचते हुए कहा, अब ज्यादा नाटक मत करो, हमें पता है तुम इसे प्यार करते हो। उन्होंने अहाना की तरफ मुड़कर कहा, उस दिन राजवंश कॉर्पोरेशन की पार्टी में हमने तुम्हें और सिद्धार्थ को बात करते हुए सुन लिया था। ये सुनते ही अहाना का शरीर जम गया। उसने उस दिन सिद्धार्थ को कई बातें कही थी, जिसमें उसने ये भी कहा था कि जय ने उसके साथ क्या क्या किया था और अब वो प्योर नहीं है। वो नहीं जानती थी कि क्यों, पर ये सोचकर कि सिद्धार्थ के पेरेंट्स को उसकी लाइफ के बारे में पता चल गया है, उसे अपने दिल में एक घबराहट महसूस हो रही थी जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी जी ने उन आंसुओं को साफ करते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? हम जानते हैं तुम्हारा पास्ट बहुत बुरा है, लेकिन तुम उसके कारण अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब तो नहीं कर सकती ना? तुम सिद्धार्थ को इसीलिए रिजेक्ट कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम उसके काबिल नहीं हो, लेकिन मेरे हिसाब से मेरा बेटा तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम एक साफ दिल की इंसान हो जिसके मन में किसी के लिए बुरे ख्याल नहीं है। इतना सब सहन करने के बाद भी और इतनी बुरी जिंदगी जीने के बाद भी तुम आज यहां खड़ी हो और यही बात ये बताती है कि तुम कितनी सक्षम हो और तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन आना, हर इंसान को अपनी जिंदगी में किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जो उसे संभाल सके, उसे बता सके कि वो हमेशा उसके लिए है। मैं नहीं जानती कि मेरा बेटा तुमसे क्यों प्यार करता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उससे प्यार करो, तुम हमारी बेटी बनकर हमारे साथ रहो। आना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। जिस रिएक्शन की उम्मीद उसने सिद्धार्थ के मम्मी पापा से की थी, ये उससे बहुत अलग था। वो अपने दिल में चल रही उथल पुथल को हल्का होता हुआ महसूस कर रही थी। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा जिसकी नजर उसी पर थी। उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया और कहा, मैं कोशिश करूंगी। अनुराग जी ने उसके कंधों को थपथपाते हुए कहा, कोशिश नहीं बेटा, हमें जवाब सुनना है ताकि इस नालायक की फिक्र हमारे सर से उतर जाए। अहाना ने झिझकते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। यह सुनकर अनुराग जी और लक्ष्मी जी खुश हो गए। अनुराग जी ने अपने बैग में रखे एक फाइल को निकाला और उसे टेबल पर रखते हुए कहा, तो ठीक है, तुम दोनों इस पर साइन कर दो। सिद्धार्थ अहाना दोनों उस फाइल की तरफ देख रहे थे। सिद्धार्थ ने हैरान होकर कहा, आप लोग पूरी तैयारी से आए थे, जैसे आपको पता था वो हाँ कर ही देगी, और इतनी जल्दी शादी करवाने का क्या मतलब है? अहाना जो अभी तक समझ नहीं पाई कि उनका मतलब क्या है, ये सुनकर कि वो मैरिज से रिलेटेड है, वो सब की तरफ देखने लगी। लक्ष्मी जी ने मुंह बनाकर कहा,
चुपचाप साइन करो, क्या पता तुम लोगों का दिमाग खराब हो जाए और तुम लोग ब्रेकअप कर लो। इसीलिए जल्दी से शादी करवा देते हैं, अभी ऐसे ही करते हैं, बाद में धूमधाम से करेंगे। हम अगर कल आ जाते तो तुम्हारी शादी भी वायु की शादी के मंडप में ही कर देते, पर क्या करें, इनको इम्पोर्टेंट केस के कारण हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। गोल्डन कलर के पेन को आहाना के हाथ में पकड़ाते हुए उन्होंने कहा, तुमने अभी हाँ कहा है और अब तुम्हें पीछे नहीं हट सकती। वो जानती थी कि उनके सामने जो लड़की खड़ी थी उसे ये करने से डर लग रहा था, लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसके हिसाब से आहाना लोगों से दूर रहना पसंद करती थी, शायद यही दूरी सिद्धार्थ को उसके करीब आने से रोक रही थी। धैर्या ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दीदी साइन कर दो। आहाना ने धैर्या की आंखों में देखा जिसमें उसे विश्वास दिख रहा था। उसने झुककर पेपर पर साइन कर दिया। ये देखकर कि आहाना पेपर पर साइन कर चुकी थी, सिद्धार्थ ने जल्दी से वो पेन उसके हाथ से छीना और खुद भी वहां साइन करने लगा। उसकी इस हरकत को देखकर वहां मौजूद लोग मुस्कुराए बिना रह नहीं सके। रिद्धिमा जी ने कहा, मिठाई मंगवाई जाए, आज हमारी दो दो पोतियों की शादी हो गई है। ये कहते हुए उन्होंने अपने गले से एक डायमंड का नेकलेस निकालकर आहाना के गले में पहना दिया। वहां का माहौल काफी खुशी से भरा था और सभी लोग इंजॉय कर रहे थे, पर वो लोग इस बात को भूल चुके थे कि कोई था जिसके कारण वो सब आज इतने खुश थे, पर वो दोनों ही लोग वहां मौजूद नहीं थे। सुल्तान काफी परेशान था और बार बार रावी और वीरा से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर ना ही वो उनके हाथ में पहनी वॉच को ट्रैक कर पा रहा था, ना ही उनके पास मौजूद फोन पर फोन लगा रहा था। यहाँ तक कि वो सीसीटीवी कैमरे में देखकर भी ये पता नहीं कर पाया था कि वो दोनों कहाँ गई। उसने मुड़कर उस बड़े से परिवार को देखा जहाँ हर किसी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसे वीरा के शब्द याद थे, फर्क नहीं पड़ता कि हम किसी मुसीबत में हैं, हमने ये मुसीबत सिर्फ उन लोगों को मुस्कुराते हुए देखने के लिए झेली थी, और अगर वो लोग खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं तो हमारे सेक्रीफाइस वेस्ट नहीं गए। उन शब्दों को याद करते ही सुल्तान चुप हो गया और तेज कदमों से बाहर चला गया। काफी समय बाद जब सुल्तान को रावी और वीरा के बारे में कोई खबर नहीं मिली तो वो परेशान सा गार्डन में खड़ा रहा और वो सोच रहा था कि उसे अंदर मौजूद लोगों को उस बारे में बताना चाहिए कि नहीं। तभी शिव ने उसके पास आकर कहा, सुल्तान सर, आपको मिस्टर वायु राजवंश बुला रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान की आईब्रोज आपस में जुड़ गई और वो जल्दी से अंदर चला गया। अंदर हॉल में सब काफी परेशान बैठे थे। वायु ने पहले ही सुल्तान को वहां से जाते हुए देख लिया था और उस समय उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वो समझ गया था कि कोई बात जरूर थी। उसने बिना बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरी बेटियां कहां हैं? ये सुनकर सुल्तान कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने कहा, आप दोनों की शादी के एक घंटे पहले से वो गायब है और तब से ही हम उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे अभी पता चला है कि उस टाइम हमारे सारे गार्ड्स की अपने आप डेथ हो गई थी और सिक्योरिटी के लिए इस जगह पर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ कोई हमला नहीं हुआ। इस बात का मतलब वायु अच्छे से समझ रहा था। उसने खुद से कहा, क्या उन दोनों ने वही किया जो वो कह रही थी? क्या उन दोनों ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया? ये सोचते हुए उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी दादी को फोन करके कहा था कि वो उनके साथ रहने को तैयार है और वो उन सब लोगों को छोड़ने को भी तैयार है, लेकिन फिर भी निर्मला देवी अपने साथ उसकी दोनों बेटियों को ले गई। धैर्या काफी ज्यादा रो रही थी। उसने कहा, हमने कहा था उन दोनों से कि वो दोनों ऐसा कुछ ना करें जिससे उनकी जान खतरे में आए, क्यों वो हर बार सारे दुख अपने ऊपर ले लेती हैं? हम कुछ नहीं जानते, हमें हमारी बेटियां वापस चाहिए, हमें हमारी बेटियां लाकर दीजिए। ये कहते हुए अचानक उसका सिर चकराने लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसे इस तरह बेहोश देखकर सब उसके पास चले गए। वायु ने उसे गोद में उठाया और कमरे में ले गया। सिद्धार्थ और आहाना इस समय धैर्या को चेक कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों कमरे से बाहर आए और दोनों के चेहरे पर काफी परेशानी थी। वायु ने सिद्धार्थ की कंधों को पकड़ते हुए कहा, उसे क्या हुआ है? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और कहा, वो प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही वायु की पकड़ सिद्धार्थ के कंधों पर ढीली हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था जिस बात को सिद्धार्थ ने अभी कहा था। उसने धीरे से कहा, लेकिन कैसे, मैं तो कभी। ये सुनकर सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने तुझे पहले ही बताया था, तू नॉर्मल है और टाइम सब ठीक कर देगा। वायु ने कुछ नहीं कहा। वो इस बात को जानकर थोड़ा सा खुश था कि वो पिता बन सकता है और धैर्या फिर से उसके बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन उसकी बेटियों को खो देने का दर्द जो इस समय उसके पास था वो उस खुशी से कहीं ज्यादा था जो उसे इस समय महसूस हो रही थी। ब्लैक बटरफ्लाई के सारे लोगों को रावी और वीरा को ढूंढने के लिए भेज दिया गया था। मृत्युंजय और पूर्वा भी अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि प्रजापति खानदान के हेड धीरज प्रजापति भी अपने मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स के जरिए लोगों को इस बारे में पता करने को कह चुके थे। हर कोई उन दोनों बच्चियों को ढूंढ रहा था, लेकिन आखिर वो थी कहाँ? एक प्राइवेट प्लेन एक छोटे से आइलैंड पर उतरा और उसमें से एक औरत क्रीम कलर की साड़ी पहनकर बाहर आई। उसने दो छोटे बच्चों का हाथ पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट थी। उसी के पीछे तीन आदमी भी चल रहे थे। हेमंत ने अपना सिर झुकाया हुआ था और वो उन दो बच्चियों को देख रहा था जिसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद को उन लोगों के हवाले कर दिया था। जब रावी और वीरा को पता चला था कि वहां मौजूद सारे सिक्योरिटी के लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और निर्मला देवी के सारे लोगों ने वहां मौजूद हर एक इंसान पर निशाना लगाया हुआ है और किसी भी पल उनकी जान ले सकते हैं, तो रावी और वीरा बहुत परेशान हो गई थी और सीधा निर्मला देवी से मिलने पहुंच गई थी जो उनका ही इंतजार कर रही थी। निर्मला देवी ने उनके सामने शर्त रखी थी कि अगर वो दोनों उनके साथ जाएगी तो वो सब कुछ छोड़ देंगी। ड्रिंक्स भी रखे थे। शिव साइड में खड़ा था। 7 महीने बाद थोड़ी देर बाद रावी और वीरा को एक बड़े से कमरे में कुर्सियों पर बांध दिया गया। उनके शरीर पर कुछ मशीनें लगी थी और एक आदमी उनके शरीर से इंजेक्शन के जरिए खून निकाल रहा था।
उस आदमी ने चश्मा पहना था और उसकी दाढ़ी काफी बड़ी हुई थी। डॉक्टर का कोट पहनने के कारण वो एक डॉक्टर की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी हरकतें उसे एक साइको दिखा रही थी। उसने निर्मला देवी के पास आकर कहा, आपने जो कहा था मैं वो कर रहा हूँ। मैं इन दोनों का डीएनए दूसरे बच्चों में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करेंगे तो वो बच्चे इन दोनों की तरह ही इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ये कहते हुए वो हंसने लगा और अचानक से उसने एक बटन प्रेस किया, जिससे रावी और वीरा दोनों को शॉक लगने लगा। उनकी चीख को सुनकर निर्मला देवी के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उन्होंने थोड़ी दूर बांध के रखे हुए छोटे छोटे बच्चों को देखा, जिन्हें उन्होंने किडनैप किया था। वो उन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे ताकि उन्हें इंटेलिजेंट और स्ट्रांग बना सके, ताकि अपने राजवंश खानदान को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें किसी वायु राजवंश की जरूरत ना पड़े। पीछे खड़े हेमंत, गौरव जी और रमन इस नजारे को देखकर कांप उठे थे। उन्होंने नहीं सोचा था निर्मला देवी इतनी क्रूअल हो सकती है। कुछ दिनों बाद जब निर्मला देवी दोबारा उस कमरे में गई तो उन्हें उन दोनों बच्चियों की आंखों में वही शक्ति और गुस्सा दिखा। वो उनकी आंखों में दया का भाव देखना चाहती थी। वो चाहती थी वो दोनों बच्चियां अपनी उन नीली आंखों के साथ रोए, लेकिन वो रोती जरूर थी पर फिर भी उनके चेहरे पर दर्द नहीं दिखता था, और ये देखकर निर्मला देवी बहुत गुस्सा हो जाती थी। वो उनका गुरूर तोड़ना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन दोनों बच्चियों के कारण ही आज वो इन हालतों में थी। अगर वो दोनों नहीं होती तो उनका पोता वायु उन्हें नहीं छोड़ता, ना ही उनका परिवार इस तरह से तबाह होता। इसीलिए वो उन दोनों को इतना टॉर्चर करती थी जितना कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। 7 महीने बाद एक बड़ा सा चौपर एक आइलैंड के ऊपर घूम रहा था, जहां रावी और वीरा को रखा गया था। रेत की जमीन पर दोनों बच्चे अपने हाथ में स्मोक बॉम्ब लेकर खड़ी थी, जिससे धुआं ऊपर तक जा रहा था। हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे आया और उसमें से दो आदमी उतरे, जिसमें से पहला शिव और दूसरा सुल्तान था। उन दोनों ने बिना देरी किए रावी और वीरा को अपनी गोद में लिया और जल्दी से हेलीकॉप्टर पर चढ़ गए। हेलीकॉप्टर के उस आइलैंड से दूर जाते ही वो आइलैंड बुरी तरह ब्लास्ट हो गया। रावी और वीरा खिड़की से बाहर उस जलते हुए आइलैंड को देख रहे थे, जो अब लगभग समुद्र में डूब चुका था। सुल्तान और शिव ने दोनों को अपनी गोद में बिठाया। दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उनके शरीर पर कई चोट के निशान थे और उनकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। वीरा ने अपनी आंखों को सख्त करते हुए कहा, घर चलो। अपने शब्दों को खत्म करते ही वो बेहोश हो गई। उसमें जितनी भी ताकत बची थी उसने वो सारी इस्तेमाल कर ली थी और अब वो सिर्फ सोना चाहती थी। रावी भी बहुत ज्यादा थकी हुई थी और वो शिव की गोद में सो चुकी थी। दोनों उन मासूम बच्चियों को देख रहे थे, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उनके दिल में उन्हें इस तरह देखकर एक दर्द उठ रहा था। चौपर न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट पर उतरा। आइलैंड न्यूजीलैंड से दूर समुद्र के बीच बना हुआ था, जिसे लोग नहीं देख सकते थे क्योंकि वो काफी दूरी पर और गहराई में था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि उस आइलैंड पर इस तरह के काम होते होंगे। रावी और वीरा अभी भी सो रहे थे। सुल्तान और शिव ने उन्हें गोद में उठाया और उनके प्राइवेट प्लेन में बैठकर निकल गए। उन दोनों बच्चियों को जब होश आया तो वो अपने प्लेन के बेड पर थी। उन्होंने अभी भी वो हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ था, जिस पर कई सारे खून के धब्बे लगे थे। रावी ने वीरा को सहारा देकर बिठाया और कहा, दी। इससे आगे वह कुछ कहती कि वीरा ने कहा, वॉशरूम में चलो। उसे खुद के कपड़ों से फर्क नहीं पड़ रहा था कि उन पर कितना खून लगा है, पर वो अपनी बहन को इस तरह खून से रंगा हुआ नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो जानती थी वो गंदे लोग दूसरों का खून बहा रहे थे। यही सोचकर कि उसकी बहन कितने डरावने लोगों को मार रही थी, वो घबरा गई थी। वीरा उसे और ऐसे नहीं देखना चाहती थी। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और रावी के साथ उसे प्लेन में बने वॉशरूम में लेकर चली गई। वॉशरूम काफी बड़ा था और वो उनका प्राइवेट प्लेन था, इसीलिए उसमें उनकी जरूरत का सारा सामान था। दोनों बहनों ने एक दूसरे की हेल्प करते हुए शावर लिया और कपड़े बदल लिए। जब वो दोनों अंदर आए तो उन्होंने देखा टेबल पर गरम गरम न्यूट्रिशन से भरा खाना रखा था और उसके साथ कुछ एनर्जी ड्रिंक्स भी रखे थे। शिव साइड में खड़ा था, उसने अपना सिर झुका के रखा था। खाना देखते ही रावी को बहुत जोर से भूख लगने लगी और उसके पेट से आवाज आने लगी। शर्माते हुए उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ लिया। वीरा ने कहा, खाना खा लो। रावी ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से टेबल के पास पहुंची। सोफे पर बैठते हुए उसने सूप का बाउल उठाया और जल्दी जल्दी उसे पीने लगी। वीरा साइड में बड़ी शांति से धीरे धीरे खाने को खा रही थी। उसकी आंखें भी थोड़ी सी नम थी। 7 महीने, इन 7 महीनों में उन्हें इस तरह का खाना दिया गया था जो किसी मुजरिम को भी नहीं दिया जाएगा। रोटियां जो जली हुई होती थी और उनमें से बदबू आती थी, उसके साथ ही उन्हें खराब सब्जी दी जाती थी। यहां तक कि उन्हें पानी भी काला और मैला दिया जाता था। निर्मला देवी ने उन पर इतने जुल्म किए थे जितना कोई सह ही नहीं सकता था, पर वो दोनों लड़कियां उसे तब तक सहती रही जब तक वो उस काम को करने में कामयाब नहीं हुई जो वो करने के लिए वहां गई थी। शिव साइड में खड़े होकर उन दोनों को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने कई बार सोचा कि वो उनसे पूछे कि वह दोनों कैसी हैं, पर उनके हाथों पर बने बेल्ट के नीले निशान और उनके शरीर पर बनी कई सारी खरोचें उसे उस सवाल को अपने अंदर रखने को कह रहे थे। खाना खाने के बाद रावी और वीरा वापस सो गई। शिव ने उन्हें ब्लैंकेट उड़ाया और बाहर आ गया। बाहर सुल्तान सोफे पर बैठ अपनी गहरी सोच में डूबा हुआ था। शिव ने कहा, सर आपको कैसे पता चला कि दोनों मैम कहाँ हैं। सुल्तान ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे 2 दिन पहले एक मैसेज मिला था जो वीरा मैम ने भेजा था। उन्होंने उसमें लिखा था कि मैं 2 दिन बाद न्यूजीलैंड से दूर इस आइलैंड पर आ जाऊं। उन्होंने उस जगह की लोकेशन भी भेजी थी और कहा था कि मैं एक चॉपर लाऊं।
पहले तो मुझे ये विश्वास नहीं हुआ था कि वो मैसेज मैम का ही है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो उसके नीचे एक कोड वर्ड था जो कि मैंने बनाया था किसी भी इमरजेंसी के लिए। मैंने नहीं सोचा था कि हमें मैम इस हालत में मिलेगी, लेकिन वो उस आइलैंड पर कैसे पहुंची और आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था कि वो दोनों इस हालत में है, और उन्होंने उस आइलैंड को तबाह क्यों किया? ये सारे सवाल मुझे अभी भी परेशान कर रहे हैं और उनके जवाब सिर्फ मैम दे सकती है। ये कहते हुए सुल्तान शांत हो गया। शिव ने भी उससे आगे सवाल नहीं किया। रात के समय जयपुर एयरपोर्ट। वीरा और रावी के पैर बहुत ज्यादा कमजोर थे और वो चल नहीं पा रही थी, इसीलिए शिव और सुल्तान उन्हें अपनी गोद में ले जा रहे थे। वो दोनों लड़कियां अपनी खाली आंखों से उस जगह को देख रही थी और उनकी आंखों में धीरे धीरे चमक बढ़ती जा रही थी। 7 महीने बाद उस अंधेरे से निकलकर असली दुनिया को देखने की चमक उनकी आंखों में साफ झलक रही थी। रावी ने अपनी धीमी आवाज में एक्साइटेड होकर कहा, मुझे आइसक्रीम खानी है प्लीज। उसकी आवाज रफ और भरी थी, जैसे वो काफी मुश्किल से बोल पा रही हो। वीरा ने बिना किसी भाव के कहा, अभी नहीं, पहले तुम्हारा चेकअप होगा। ये सुनकर वो चुप हो गई। वो सब कार में बैठे और पैलेस की तरफ निकल गए। रावी खिड़की के बाहर चांद को देख रही थी। उसने कहा, क्या मम्मी पापा हमें देखकर खुश होंगे? वो इतने समय से क्या कर रहे थे और बाकी सब कैसे होंगे? मुझे वहां जाने से डर लग रहा है। वीरा का भी वही हाल था, लेकिन वो उसे शो नहीं कर रही थी। जब वो पैलेस पहुंचे तो वहां की सारी लाइट चालू थी। रावी और वीरा धीमे कदमों से अंदर जाने लगी। इस बार उन्होंने खुद को शिव और सुल्तान को नहीं उठाने दिया था। वो वहां आसपास देख रही थी। वहां से जाने से पहले उन्होंने वहां एक खुशियों भरा माहौल छोड़ा था, जिसके बदले उन्हें कई सारे दर्द सहने पड़े थे। वीरा की नजर उस गार्डन पर गई जहां उनकी मम्मी की शादी का मंडप था, और जिससे उसकी आंखें थोड़ी उदास हो गई क्योंकि वो उसमें शामिल नहीं हो पाई थी। रावी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सब खत्म नहीं हुआ है दी, हम वापस आ गए हैं। ये कहकर उसने वीरा को घर के अंदर खींचा। जगह खाली और शांत थी, जैसे वहां कोई ना रहता हो। वो दोनों बच्चियां आसपास देख रही थी, लेकिन उन्हें अभी भी कोई नहीं दिख रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वायु, हम कह रहे हैं ना, हमें दूध नहीं पीना है। आप क्यों हमें बार बार ये सब खिलाते हैं जो हमें पसंद नहीं है? हम आपको पहले भी कह चुके हैं, जब तक हमारी बेटियां हमें नहीं मिलती हम कुछ नहीं खाएंगे, पर फिर भी आप हमें उनकी ही कस्में देकर खाना खिला देते हैं। वायु ने कहा, तुम्हें दूध पीना पड़ेगा और हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, वो मिल जाएंगी। धैर्य मुड़ी और उसने अपनी नम आंखों से वायु को देखते हुए कहा, 7 महीने हो गए हैं वायु, वो कब मिलेगी? हमें उनकी बहुत याद आती है, हम नहीं रह पा रहे हैं उनके बिना। वो दोनों हमारी जान थी और हमें हमारी जान वापस चाहिए। ये कहते हुए वो आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक उसके कदम रुक गए। वायु जो उसके पीछे था वो भी रुका, और वो धैर्य से कुछ कहने ही वाला था कि उसके हाथ से दूध का ग्लास नीचे गिरकर टूट गया। दोनों एक ही दिशा में ध्यान से देख रहे थे जहां दो छोटी बच्चियां खड़ी थी। दोनों ने शॉर्ट पैंट और टॉप पहना था क्योंकि उनके शरीर पर काफी जख्म थे जो कपड़े के टच करने से दर्द दे रहे थे। धैर्य ने वायु का हाथ पकड़ते हुए कहा, वायु, हमें फिर वही सपना आ रहा है कि रावी वीरा हमारे सामने खड़ी है, पर इस बार यह कुछ ज्यादा ही असली लग रहा है। वायु ने धीरे से धैर्य के हाथ को दबाया और कहा, ये सच है। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था। रावी और वीरा अपने माता पिता की तरफ देख रहे थे और उन्हें देखते हुए उनकी आंखें नम हो चुकी थी। रावी ने रोते हुए कहा, मम्मा मम्मा। बस उसका इतना कहना ही था कि धैर्य दौड़कर उसके पास गई और उसने दोनों को अपने सीने से लगा लिया। वो जोर जोर से रो रही थी और उन दोनों के चेहरों पर बेतहाशा किस कर रही थी, जैसे वो उनसे अलग नहीं होना चाहती हो। उन दोनों के हाथ को पकड़ते हुए उसने कहा, आप दोनों कहाँ चली गई थी? आप जानती हैं हमने आप दोनों को कितना ढूंढा, कितने दिन से हम सोए नहीं हैं। क्या आपको ऐसा करना चाहिए था? अगर कोई परेशानी थी तो क्या आप वो हमसे नहीं बांट सकती थी? रावी और वीरा चुपचाप धैर्य की बातों को सुन रही थी। वायु भी धैर्य के बगल में घुटनों के बल बैठा और उसने कहा, क्या तुम दोनों ठीक हो? ये कहते हुए वो उनके सिर पर हाथ फेर रहा था। दोनों बच्चियां जो अपने माता पिता से मिलने से बहुत इमोशनल हो चुकी थी, उन्होंने उन दोनों को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। इस बार वीरा भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उनकी रोने की आवाज इतनी दर्दनाक और बुरी थी जैसे इन 7 महीनों का सारा दर्द वो अब निकाल रही हो। आवाज सुनकर घर में मौजूद सारे लोग वहां गए और उन चारों को देखकर वो सब हैरान थे। रावी और वीरा काफी देर तक रोती रही और आखिर में वो दोनों बेहोश हो गई। थैरिया ने परेशान होकर वायु की तरफ देखा। वायु ने वीरा को गोद में उठाया और शिव ने रावी को गोद में लिया। वो उन्हें लेकर उनके कमरे की तरफ बढ़ गए जहां डॉक्टर पहले से ही मौजूद थे। सभी लोग रावी और वीरा के कमरे के बाहर मौजूद थे। अंदर कई सारे डॉक्टर दोनों बच्चियों को चेक कर रहे थे। लगभग 1 घंटा हो चुका था पर अभी तक अंदर से कोई बाहर नहीं आया था। धैर्या ने परेशान होकर वायु का हाथ पकड़ा और कहा, वायु, डॉक्टर अभी तक बाहर क्यों नहीं आए हैं? हमें हमारी बेटियों से मिलना है, उन्हें कहिए ना कि वो जल्दी इलाज करें। वायु भी काफी बेचैन था। रावी और वीरा की हालत बहुत बुरी थी और उनके पैरों में इतने छाले थे कि वो दोनों अपने बच्चों की हालत को देख भी नहीं पा रहे थे। वायु कुछ कहने ही वाला था कि कमरे का दरवाजा खुला और कई सारे डॉक्टर्स की टीम बाहर आई। उन सबका चेहरा परेशान था। सीनियर डॉक्टर ने सामने आकर कहा, दोनों की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। पिछले 6 महीनों से उन्हें कई सारी दवाइयां और इंजेक्शन दिए गए हैं जो उनकी बॉडी को हार्म कर चुके हैं। उन्हें लगातार शॉक देने के कारण उनके ब्रेन सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है और वीरा के लेफ्ट शोल्डर की हड्डी ब्रेक हुई है और रावी के राइट लेग और राइट शोल्डर की हड्डी ब्रेक है। उनके शरीर के जख्मों पर टाके लगा दिए हैं क्योंकि वो काफी गहरे थे और इस समय वो कुछ नहीं खा सकती हैं। उन्हें सिर्फ दवाइयों, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और ड्रिंक्स पर ही रहना होगा।
एक महीने बाद आप उनके लिए सप्लीमेंट्स की जगह फूड का यूज कर सकते हैं। खून की कमी के कारण उनका शरीर बहुत कमजोर है, इसीलिए वो काफी देर तक सो सकती है। इसीलिए आप इस बात की चिंता ना करें। मेरे ख्याल से तो आपको उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए।